कहाँ का ना मन्ने? मारे से ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश ना करना, चल। हाँ, मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई है। मैंने कहा है अजमेर के रास्ते में पोस्टर्स लगा देने के लिए। नहीं, पुलिस का कहना है कि जयपुर के बाहर नहीं गई है, लेकिन मैं चांस नहीं ले सकता ना। हाँ, तुम बताना मुझे। विधान बेटा। हाँ मैम। मेघराज जी आते ही होंगे उनकी बेटी का रिश्ता लेके। क्या? क्या ये कोई मजाक है क्या मोम? आपने बिना मुझसे पूछे उसे रिश्ते के लिए बुला लिया? बेटा, मुझे तो लगा था तुम्हारे पापा से तुम्हारी बात। क्या बात हुई? बुआ का दर्द देख करके मैं अपना प्यार भूल जाऊं? मैं आप लोगों को बता चुका हूं, मैं इन सब चीजों में नहीं मानता। और बाकी लोग जो ये बातें मानते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है तुम्हारी नजर में। विधान, ये बात का जवाब दो। परिवार की खुशी कोई मायने नहीं रखती तुम्हारे लिए। चाहे खानदान बर्बाद हो जाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता डैड, परिवार की खुशी से खानदान बर्बाद हो जाए। मैं नियति को नहीं भूल सकता, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। फिर क्या हुआ जैन? आप ठीक तो है? दोनों जाओ। मॉम, जैन आप ठीक तो है ना? जैन, पिताजी ने आज तक तुमसे क्या मांगा है? जहां तक मुझे याद है कुछ भी नहीं, लेकिन बचपन से लेके आज तक तुमने उनसे जो कुछ भी मांगा है, मांगने से पहले तुम्हें मिला। आज तुम्हारे पापा तुमसे एक चीज मांग रहे हैं, तुम्हारी खुशी के लिए, इस परिवार के भले के लिए। तो हाँ कहने में तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि मैं नियति से प्यार करता हूँ मॉम। मैं जानती हूँ पिता, लेकिन नियति का क्या? उसने तुम्हारे प्यार की कदर की नहीं, छोड़ के चली गई तुम्हें। तुम उसका गुस्सा हम पे क्यों निकाल रहे हो? विधान, जो भी फैसला लेना है सोच समझ के लो। अब ठीक है ना? मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे विधान से करने के लिए तैयार हूं। ये मेरी बेटी का भाग्य है कि उसका रिश्ता आप जैसे परिवार से आया है। मेरी बेटी को भी इस शादी से कोई एतराज नहीं, पर क्या आपके बेटे विधान दूसरी शादी के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, वो अच्छी तरह से जानता है मैं जो कुछ भी कर रही हूं उसके भले के लिए ही कर रही हूं। मेरा मतलब है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं हरियाली जीजी के आशीर्वाद से उसकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। उसे हमारा आदेश मानना ही पड़ेगा, सही है ना जीजी? हरियाली माँ का आदेश सर आंखों पर। अब तो कोई आप अच्छा सा मुहूर्त बता दीजिए। हरे कृष्णा, सब हरे हरे हो। जयो। हाँ दीदा। आज शाम को हरित पूजन करना होगा। मुहूर्त नहीं मिल रहा क्या दीदा? अरे मुहूर्त तो कल का बहुत ही चोखो है, पर नंदलाल का आशीष भी तो जरूरी है ना दीदा। मेरा मतलब है हरियाली जीजी, इसका मतलब कल हम सगाई कर सकते हैं। वाह,
इस बात पे तो मुंह मीठा करना चाहिए। मॉम आप कल छोटे की सगाई करा रही? हाँ बेटा, कल का मुहूर्त अच्छा है, अभी अभी जीजी ने कहा है ना जीजी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं बुआ जी, आप खुद एक औरत हैं, दूसरी औरत का घर कैसे उजाड़ सकती हैं आप। मेरी बिट्टू को कैसा लगेगा सोचा है आपने? अच्छा ही लगेगा फाल्गुनी, वो भी तो यही चाहती है, इसीलिए तो घर छोड़ के चली गई। है ना जीजी? मॉम निधि परेशान थी इसलिए उसने ऐसा किया, आप लोग ये जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए प्लीज। जल्दबाजी की बात को नहीं, 15 दिन इंतजार कर लिया तारे घर वालों ने, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। ब्याह तो होके रही, इसी माँ सबकी भलाई है। पर आप किसी की शादी जबरदस्ती नहीं करवा सकती बुआ जी, जब विधान ये शादी के लिए तैयार नहीं है तो मैं तैयार। छोटे, ये तू क्या बोल रहा? मैं इस शादी के लिए तैयार हूं। इंस्पेक्टर साहब नियति का पता लगा? देखिए ऑलरेडी 15 दिन हो चुके हैं, कोई तो सबूत मिला होगा। विधान, विधान, मैं शाम को फोन करता हूँ। बस इतना ही प्यार था बिट्टू से, क्यों हाँ कहा दूसरी शादी के लिए विधान? सोचा है बिट्टू को कैसा लगेगा? एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा ना तुमने? उसने सोचा मेरे बारे में, छोड़ के चली गई, एक चिट्ठी लिखकर कि मुझे भूल जाओ और दूसरी शादी कर लो। उसे इतना ही प्यार था मुझसे भाभी माँ कि मुझ पर यकीन भी नहीं कर पाई कि मैं उसके लिए सबसे लड़ सकता हूँ। तू ऐसा क्यों सोच रहा है? वो बिना सोचे समझे घर से चली गई, हो सकता है मुश्किल में हो। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है सुबह से कि वो जरूर किसी मुसीबत में, वो वापस आना चाहती, हम सबके पास लौटना चाहती है विधान, लेकिन कुछ तो है, कोई तो है जो उसे रोक रहा है।